प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट टू का सेक्शन सी पे। ठीक है, इस सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चंस 5 होंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 5 होंगे, और एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपका दिया जाएगा सेक्शन सी में। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, बोल रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस है। ठीक है, यानी यह एक डिटर्मिनेंट है और हमें प्रूफ कर देना है कि दिस इज इक्वल टू दिस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि LHS से बात करते हैं। ठीक है, तो LHS से अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो देख लिए, हमें जो प्रूफ करना है वो चीज हम यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला चीज यह RHS में है मेरा, तो यहाँ ये हम लोग बात करते हैं LHS से। ठीक है, LHS से हम लोग चलते हैं, LHS इज इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए कि 5x प्लस 4 चाहिए, क्या चाहिए? 5x प्लस 4 चाहिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो 5x प्लस 4 जब हमें चाहिए, तो अगर हम कॉलम 1 में लाकर कॉलम 2 और कॉलम 3 को एड कर दे तो क्या होगा? यहाँ 2x 2x 4x और x 5x हो जाएगा। या तो रो 1 में हम क्या कर दें कि रो 2 रो 3 और रो 2 को ऐड कर दे, तब पर भी 2 और 2 4 और 5 एक्स हो जाएगा, प्लस में तो 4 मिल ही रहा है। ठीक है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये चीज हमें मिलने वाला है। तो हम ऐसा करते हैं कि कॉलम वाइज काम करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कॉलम नंबर सी से। ठीक है, और ऐसा करते हैं कि कॉलम नंबर सी 1 में, ठीक है, कॉलम नंबर सी 1 से चलते हैं। ठीक है, 1 से तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग कि क्या क्या होगा इसमें। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं किसका, तो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं C1 का। ठीक है, C1 में जो इधर लिखा जा रहा है इसी का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, इस एरो के लेफ्ट में, तो यहां पे हम C1 में एड करने वाले हैं। तो C1 में पहले आप लिखिए क्या है, तो यह है एक्स प्लस 4, फिर यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है 2x। ठीक है, अब आप C2 को लाकर ऐड कीजिए इसमें, तो यहाँ है 2x, ठीक, C3 को भी आप ऐड कीजिए तो यहाँ है 2x, है ना। अब यहाँ देखिए, ये तो 2x है और C2 ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस एक्स प्लस 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ भी देखिए 2x है, इसे भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें, है ना। अब इसमें ऐड कीजिए इसको C2 को, तो यहाँ से 2x प्लस इसको भी आप ऐड कीजिए, यह भी है हमारा x प्लस 4 है। ठीक है, और C2 और C3 अपने अपने जगह पे रहेंगे, तो 2x यहाँ है x प्लस 4 और इधर है 2x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यह भी C3 अपने जगह पे रहेगा, 2x यहाँ भी है 2x और यहाँ है x प्लस 4 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि ये क्या होने वाला है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x 4x और x, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें 5x और प्लस में 4, यानी 5x प्लस 4 हो गया। इसे भी आप ऐड कीजिए तो 2x और x 3x और 2x 5x हो गया, है ना, और प्लस में तो 4 है इसमें भी। इसे भी आप ऐड कीजिएगा तो 2x और 2x 4x और x 5x, तो यहाँ हो गया 5x और प्लस में 4 है ना। अब यहाँ कॉलम 2 हमारा क्या है, 2x है, ये भी हमारा क्या है, तो x प्लस 4 है, यह 2x है, ये भी 2x है, यहाँ भी 2x है और यह x प्लस 4 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा आप लोग को। तो अब ध्यान दीजिए कि हम अब क्या करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इधर थोड़ा इरेज कर लेते हैं ऊपर में। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि कॉमन टेक आउट करेंगे ना, कॉलम नंबर सी से हम कॉमन कर लेंगे 5x प्लस 4 को। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे इस बात को कि टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन है, तो 5x प्लस 4 है कॉमन। ठीक है, कहां से टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम C1 से। ठीक है, C1 से हम 5x प्लस 4 को कॉमन कर रहे हैं, तो जब आप कॉमन कीजिएगा इस चीज को तो यहाँ क्या है 5x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब ये पार्ट हमारा कॉमन जा रहा है, ये वाला पूरा
सी वन, तो यहाँ वन हो जाएगा, ए भी वन हो जाएगा, ए भी वन हो जाएगा, और यहाँ पे है टू एक्स, ए भी है टू एक्स, ठीक है, ओ सॉरी, यह क्या है, यह है एक्स प्लस फोर है, एक्स प्लस फोर है, इधर क्या है टू एक्स है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है आपका टू एक्स है, इधर भी टू एक्स है, और यहाँ एक्स प्लस फोर है, ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि किसी भी यहां पर दो को हम जीरो बना लेंगे, है ना, यहाँ क्या है कि हम रो नंबर टू और रो नंबर थ्री को जीरो बना देंगे और रो नंबर वन से एलिमेंट को एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, ओ सॉरी, अगर ये दोनों जीरो हो जाएगा तो कॉलम नंबर सी वन से एक्सपेंड करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा जीरो होगा वहीं से एक्सपेंड करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट को, ज्यादा बेटर होगा, तो चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। तो चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं कि चलते हैं आर टू से, ठीक है, और आर टू में क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आर वन को लाकर घटाने वाला हूं, ठीक है, अब चलते हैं आर थ्री से, और आर थ्री में क्या करेंगे, तो यहां पर भी लाकर आर वन को मैं घटाऊंगा, ठीक है, तो इधर हमारा क्या है, तो यह है फाइव एक्स प्लस फोर, और यहां से चलिए यह ऑपरेशन हमारा किसका चल रहा है, तो आर टू और आर थ्री का, आर वन एज इट इज रहेगा, तो यहाँ है वन, यहाँ है टू एक्स, और यहाँ भी है टू एक्स है। अब आर टू में आर वन को घटाइएगा आप, मतलब इस वन को इसमें लाके घटाइएगा तो यह हो जाएगा जीरो, है ना, और इस वन को देखिए यहाँ आर थ्री माइनस आर वन, तो इसको इसमें घटाइएगा ये भी हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब इस टू एक्स को आप कहाँ घटाएंगे, इसमें घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि x प्लस फोर है ना, x प्लस फोर में से जब टू एक्स घटेगा तो हमारा हो जाएगा फोर माइनस एक्स हो जाएगा, अब टू एक्स जो है टू एक्स में यहाँ घटेगा आर थ्री में आकर, तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना, अब ये टू एक्स इसमें आकर घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और इस टू एक्स को यहाँ पे आप घटाइएगा तो ये मेरा हो जाएगा फोर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको अगर मन है तो आर थ्री से एलिमेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, या तो कॉलम नंबर सी वन से एक्सपेंड कर दीजिए, वन से एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहां क्या करूंगा, तो यहां करूंगा लिखूंगा कि एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, ठीक है, सी वन से एक्सपेंड मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो सी वन से जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, चलिए इस वाले को इरेज करते हैं, है ना, इसे आप देख लिए होंगे, तो C1 से आप एक्सपेंड कीजिए एलिमेंट को, तो C1 से एक्सपेंड, तो C1 में हमारा देखिए यहां पर जीरो वाले एलिमेंट को मैं नहीं लूंगा, ये तो पूरा कंप्लीटली जीरो होगा, ठीक है, इसके साथ सब डिटर्मिनेंट जो आएंगे वो जीरो हो जाएंगे, तो मैं वन को एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, तो इधर हमारा क्या है, तो इधर है फाइव एक्स प्लस फोर, है ना, और यहाँ पर वन को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो वन के लाइन में ए और ए पूरा बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए पूरा खत्म हो गया, तो सब डिटरमिनेंट हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा फोर माइनस एक्स, यहाँ पे है जीरो, ए भी हमारा जीरो, और यहाँ पे फोर माइनस एक्स, है ना, तो चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो इधर फाइव प्लस फोर है ना, और इधर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो यहाँ इससे इसमें कीजिएगा, तो ये हमारा बन जाएगा फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस जीरो से जीरो में, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट आंसर हमें क्या दे रहा है, तो फोर एक्स, सॉरी फाइव एक्स प्लस फोर, और इधर से फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यही मेरा आर एच एस था, ठीक है, ये आर एच एस आ गया मेरा, यही प्रूफ करना था, है ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि हेंस एल एच एस इज इक्वल टू है आर एच एस, ठीक है, प्रूव्ड, तो ये इस तरह से प्रूव्ड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का और पे, ठीक है, और में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, अथवा में एक क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन सेट में आपका मेंशन किया जा रहा है वो सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, आप सब पे थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है, अच्छे ढंग से उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है कि टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री कब है, इफ जब एक्स का वैल्यू टू से छोटा और बराबर है, ठीक है,
और 2x माइनस 3 कब है, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है। तो अब यहां से क्या ये बोल रहा है कि देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तब इस फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है पॉइंट x इक्वल टू 2 पे। कंटिन्यूटी टेस्ट करने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि यह x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन की डिसकंटिन्यूअस है ये आप बताइए। ठीक है कि कैसा है, तो देखिए हम लोग कैसे बताएंगे, एकदम अलग तरीका से मैं बता रहा हूँ। किसी किसी बच्चे को ये भी नहीं पता चलता है ना कि सर एल एच एस इस पे निकलेंगे या इस पे निकलेंगे, ठीक है, आर एच एस इस पे निकलेंगे या इस पे निकलेंगे। ठीक है, तो आज गौर से समझना मेरे बातों को जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहां से इस चीज को इरेज कर लेता हूँ, इसको एट पॉइंट 2 पे हमें टेस्ट करना है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूं। देखिए जो टेस्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों, वह बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 2 पे आप जांच कीजिए, किस पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो आप सबसे पहले ऐसा काम कीजिए ना, अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता है तो एक नंबर लाइन को आप ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और इधर देखिए मेरा माइनस इंफिनिटिव होता है और इधर प्लस इंफिनिटिव होता है। ठीक है, अब ये बात बोला है ना कि आप बात कीजिए सर कि यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि 2 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब मैं 2 से बड़ा हूं, 2 से x का वैल्यू कैसा है, बड़ा। तो यहां आइए, यहां पर एक आप क्या करेंगे कि होल बनाएंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 2 से बड़ा है तो बड़ा किधर, इधर राइट में, और छोटा है इधर लेफ्ट में। तो देखिए इस पॉइंट को लेना नहीं है, इससे बड़ा पे बात कर रहा है, मतलब मैं जो होल बनाया हूं ना, इससे यहां इस बाउंड्री को पकड़ कर ये राइट में ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब यह x जो है 2 से बड़ा है तो यहां पर f ऑफ x बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है, तो यह दिया है 2x माइनस 3 दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं कि एट x इक्वल टू 2 पे हमें जांच करना है ना, एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब ऊपर वाला ये बोलता है ना कि यह x का वैल्यू जब 2 से छोटा और बराबर है तो फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन का परिभाषा, फलन का परिभाषा क्या है, 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि x का वैल्यू मैं जब इस 2 से छोटा और बराबर लेकर चलू, मतलब मैं यहां पे एक होल बनाऊंगा और इसको ये पूरा फिल करके, फिल करते हुए राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, यानी ये बात क्या बोल रहा है कि 2 को आप ले भी रहे हैं, 2 को भी लीजिए और उससे बड़ा भी लीजिए, छोटा भी लीजिए। तो यहां से फिर फंक्शन क्या है, अपना परिभाषा चेंज कर लिया है और f of x is equal to 2x plus 3 पे बात कर लिया है। ठीक है, तो यहां से अब ध्यान दीजिए कि अगर हम 2 से बड़ा पे बात करें, कितना बड़ा पे, वेरी स्मॉल क्वांटिटी को हम यहां पर इंक्रीज करेंगे, वह h होता है। ठीक है, अगर हम h यहां पे बढ़ा दे तो सपोज कीजिए कि यहां पे पॉइंट हमारा आ गया 2 प्लस एच। ठीक है, अब घटाने का बात बोल रहा है कि जब मैं x का वैल्यू कम कर रहा हूं इस पॉइंट 2 से, ठीक है, और एग्जैक्ट अगर 2 पे देखिए पूरा फिल हो गया है ना, इसका कहने का मतलब है कि इस वाले फंक्शन में जब वैल्यू ऑफ फंक्शन हम निकालेंगे, फलन का वैल्यू मान निकालेंगे, तो इसी में हम डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, और जब छोटा इससे 2 से थोड़ा सा छोटा पे अगर बात कर लूं तो इधर 2 माइनस एच हो जाता है, यानी आप कंफर्म होंगे कि ये वाला हमारा कैसा है, राइट साइड में जा रहा है, तो आर एच लिमिट है और आर एच लिमिट इस पे बात होगा। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में आ रहा है तो एल एच लिमिट इस पे बात होगा, और ये पूरा होल को ये क्या कर दिया, फिल कर दिया, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन इस पॉइंट पे बात होगा जो कि इसमें डाला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इक्वल का कंडीशन इसी पे है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं एल एच लिमिट के ऊपर कि एल एच लिमिट क्या होगा, है ना। तो एल एच लिमिट हम कैसे लिखते हैं, अब देखिए किसी भी चीज को याद नहीं करना है, सब बोलते हैं 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, 2 पॉइंट को याद रखो, कुछ भी मत याद रखो, ये लाइन जिसको समझ में, जो कंटिन्यूटी पढ़ रहा है अगर ये चीज उसको समझ में आता होगा तो उसके लिए बहुत आसान है। तो अगर हम एल एच लिमिट का बात करेंगे तो ये यहां से लेंगे लिमिट पॉइंट 2 पे, एल एच मतलब कम, उससे कम पे, तो एक्स टेंडिंग टू कितना कम पे, तो उसके लिए हम यहाँ माइनस लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, तो यहां लिखूंगा लिमिट, अब यहां से कितना कम किया हूं मैं, तो एच, और एच कितना है, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट है, यानी टेंडिंग टू जीरो की तरफ। ठीक है, इतना स्मॉल इंक्रीमेंट है कि वो जीरो नजर आएगा। ठीक है, और यहां
इसके बाद लिखूंगा एच टेंडिंग टू जीरो और यहां मैं लिख दूंगा एफ ऑफ टू माइनस एच, एफ ऑफ टू माइनस एच लिख दूंगा, ठीक है ना। तो जब आप एक्स के पास क्या ले लिए कि टू माइनस एच ले लिए, तो यहां भी टू माइनस एच पे जब मैं बात किया ना तो टू उधर जाके जीरो हो गया, एच हमारा जीरो की तरफ पहुंच गया, ठीक है। तो आइए, तो अब यह क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब चलिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डेफिनेशन क्या है फंक्शन का, तो यहां देखिए 2x प्लस 3 है, तो इस वाले को 2x प्लस 3 में आप ले जाकर ऐड करें, जहां x है वहां पर रखिए इसको, तो यह हो जाएगा 2 इंटू में x के पास जाएगा 2 माइनस एच और प्लस में मेरे प्यारे बच्चा क्या है यहां पे 3 है। अब आप क्या कीजिए कि लिमिट को पुट आउट कर दीजिए इसमें, ठीक है। अब जहां एच है वहां पर क्या कीजिए कि आप जीरो को रख दीजिए, तो टू इंटू टू माइनस जीरो और प्लस में कितना 3 है, तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और प्लस में 3, यानी हमारा जो LH लिमिट निकल के आ रहा है वह 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। चल यहां तक बात तो समझ में आई होगी, अब इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं RH लिमिट पे, ठीक है, देख लिए हम। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि RH लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, RH लिमिट, ठीक है। तो RH लिमिट हम क्या कर रहे हैं कि RH लिमिट यानी 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा नंबर पे, कितना ज्यादा, तो वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट हमारा h है, तो यहां लिखूंगा मैं कि इस 2 से ज्यादा यानी प्लस 2 f ऑफ x, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, तो यहां आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना किया हूं तो h इसमें बढ़ाया हूं, h कितना है तो वह h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर यह क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा 2 प्लस h बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 प्लस h बन जाएगा, ठीक है ना। अब यह RH लिमिट के लिए जो फंक्शन का डेफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे क्या है 2x माइनस 3 है, तो यहां पे आप लगाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जहां x है वहां पे आप ले जाकर डालेंगे तो 2 इंटू में 2 प्लस एच और माइनस में 3 बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे आप क्या करेंगे कि इसमें आप लिमिट ऐड कर दीजिए, लिमिट को पुट कीजिए, तो h टेंडिंग टू 0 तो यहां 2 प्लस 0 और माइनस में 3 और यह हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करता था, तो हम बोलते थे कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन वहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात नहीं होती थी, लिमिट एग्जिस्ट कराने की बात होती थी। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि एलएच लिमिट और आरएच लिमिट अगर बराबर इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तभी हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन के ऊपर बात करते हैं, अदरवाइज वहीं पे लिख देते हैं कि लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एलएच लिमिट आरएच लिमिट बराबर है, मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट जब डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो वह लिमिट जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसका ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, ठीक है, वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, उसका ग्राफ टूट टूट कर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि LH लिमिट हमारा जो आया था वो 7 आया हुआ था और RH लिमिट हमारा 1 आ गया, यानी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या नजर आया हम लोग को, तो यहाँ पर हियर कि LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट। अब जब LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट, सो इसलिए फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, इसलिए फंक्शन जो एफ है वह डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट कर लिए, ठीक है ना, कि यह फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, बस इसके लिए आपको इतना काम करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सब लोग को लगता है सर ये हार्ड है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर सबको हार्ड लगता है, बट बॉस मुझे बहुत 12th का जो भी टॉपिक है मेरे लिए एकदम हवाई है, ठीक है, इतना ढंग से मैं पढ़ा दूंगा उस टॉपिक सारे 12th को कि तुम एकदम हीरो हो जाएगा, लेकिन मेहनत करेगा तब, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो
इंक्रीजिंग और बी में है डिक्रीजिंग। मतलब बोल रहा है कि आप इंटरवल फाइंड आउट कीजिए इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, जिसमें यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में, तो यहाँ डेरिवेटिव के यूज से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बात करना होता है। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को अगर वन टाइम हम क्या कर दें कि डेरिवेटिव कर दें, ठीक है, मतलब dy by dx कर दूं, dy by dx बोलूं, तो यहां f dash x, ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है ना, वह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। कब? जब यह f dash x जीरो से बड़ा होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, अगर f dash x हमारा जीरो से बड़ा और बराबर होगा तो ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन हो कहलाएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह f ऑफ x पूरा एकदम जीरो से छोटा हो जाएगा तो इन दिस कंडीशन दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, यह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। अगर यह जीरो से छोटा और बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा कि डिक्रीजिंग ओनली होगा। ठीक है, मैं क्या बोला पिछले में कि अगर यह जीरो से छोटा हो जाए, कैसा हो जाए, जीरो से छोटा, तो इस कंडीशन में यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और जीरो से छोटा और बराबर होगा तो इन दिस कंडीशन दिस विल बी ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा कंडीशन है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यानी हम इस फंक्शन को वन टाइम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी आप पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो सबसे पहले लिखिए कि एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, यह है x के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 है। ठीक है, अगर आप इसे वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, मींस f डैश x निकालते हैं, तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि यह 4 जो है बाहर जंप कर लेता है और पावर में कम हो जाता है। इसी तरह से आप इसका कीजिएगा x के पावर 3 का, तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। यहां से हमारा 3 और 3 कैंसिल आउट कट जाएगा, तो f डैश x क्या होगा, तो यह हो जाएगा 4x क्यूब माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूं, तो इसे लिख सकता हूं कि यहां से x स्क्वायर कॉमन है ना, तो यह हो जाएगा 4x माइनस 1 हो जाएगा। इतना काम करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मेरे चेला, ठीक है, यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, किसको, f डैश x को। मींस अब मैं यहां करूंगा कि f डैश x बराबर जीरो कर दूंगा, और f डैश x कहने का मतलब क्या है कि यह है x स्क्वायर इनटू में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यानी x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चा, मींस x स्क्वायर बराबर जीरो होगा और 4x माइनस 1 बराबर भी जीरो होगा। मतलब x का वैल्यू जीरो आया और यहां से आप देखेंगे तो 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, है ना। तो x का दो वैल्यू मेरे को मिल गया, कितने वैल्यू जो मिले, x का दो, x बराबर 0 और x बराबर 1/4 मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद, कि अब हम साइन स्कीम पे बात करेंगे ना, कि साइन स्कीम पे f डैश x का बात करेंगे, वहीं से हमें पता चल जाएगा इंटरवल के बारे में, अंतराल के बारे में। तो मैं यहां लिखूंगा कि अब हम लोग देखेंगे साइन स्कीम, ठीक है, साइन स्कीम फॉर f डैश x, किसके लिए साइन स्कीम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, f डैश x के लिए, डेट इज, अर्थात f डैश x मेरा क्या है, तो यह है x स्क्वायर और इनटू में इधर 4x माइनस 1 है। तो इसके लिए हम लोग साइन स्कीम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्कीम कहने का अर्थ है कि रियल लाइन पे हम बात करेंगे, ठीक है, तो इधर हमारा माइनस इंफिनिटिव होता है और इधर प्लस इंफिनिटिव होता है, ठीक है। तो जो पॉइंट निकल के आया है ना एक्स का वैल्यू, उसे आप उस रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर जीरो आया है, मींस एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, क्या है, जीरो है। यहाँ पे हम लोग नोड लगाएंगे, ठीक है ना, नोड कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पे होल बना देंगे, ठीक है। और इसके बाद एक्स का जो वैल्यू है वह 1/4 है, तो जीरो से तो राइट में चलेगा ना यह, तो सपोज कीजिए यहाँ आपका 1/4 है, कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि यह जो है सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात कर रहा है, मतलब f डैश x जो है हमारा वह जीरो से बड़ा और बराबर भी होना चाहिए पहला क्वेश्चन के लिए,
और दूसरे क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जो एफ डैश एक्स है या जीरो से छोटा और बराबर भी होना चाहिए, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे अगर इसको लेकर बात करना है ना, ये पूरा नोड जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा होल, इसको हम लोग फिल करेंगे, क्योंकि हमें डेरिवेटिव इक्वल का भी कंडीशन में आ रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में, ठीक है। तो इन दिस केस, ठीक है, वी फिल दिस नोड कंप्लीटली, ठीक है। तो यहां पे आप अब बात कीजिए कि अगर हम जीरो से छोटे पे बात करते हैं, तो जीरो से छोटा मतलब माइनस एक, अगर आप इधर जीरो से छोटा तो माइनस एक आएगा ना इधर, तो आप माइनस एक अगर इसमें डालते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर और अंदर में है फोर मल्टीप्लाई माइनस वन और माइनस वन, तो ये तो वन प्लस में आ जाएगा और यहाँ माइनस फोर और माइनस वन, यानी मेरे प्यारे बच्चे इसका कंप्लीटली आंसर माइनस फाइव आने वाला है। यानी जीरो से लेफ्ट में मैं जितना भी बात करूं इधर, ठीक है, तो इधर वाले पे यह चीज हमारा एफ डैश एक्स जो है जीरो से छोटा है और इस पॉइंट पे जीरो के बराबर भी है, यानी यहां हमारा एफ डैश एक्स जो है जीरो से छोटा और बराबर है। कैसा है? जीरो से छोटा और बराबर है, यानी निगेटिव की बात हो गई ना, इधर निगेटिव हो गया। अब यहां पर आइए, अगर इसके बीच में मैं बात करता हूं, इसके बीच में, ठीक है, जीरो से वन बाई फोर के बीच में, तो जीरो से वन बाई फोर के बीच में आप कोई भी नंबर डाल के देख लीजिए, ठीक है, जीरो से वन बाई फोर के बीच में आप ले लीजिए, वन बाई फाइव ले सकते हैं, है ना, तो वन बाई फाइव अगर आप इसमें डाल के देखेंगे तो वन बाई फाइव मेरा क्या होगा, तो वन बाई फाइव का, ठीक है, इससे छोटे नंबर पे बात कर रहे हैं, तो वन बाई फाइव का अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां से फोर इंटू वन बाई फाइव और माइनस में वन है, तो यहां हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी फाइव और यहां हो जाएगा फोर बाई फाइव और माइनस में वन है। इसे आप देखिए क्या मिल रहा है, तो बाहर तो हमारा वन बाई ट्वेंटी फाइव है और यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर माइनस फाइव अपॉन में फाइव, यानी ऊपर आपका क्या आने वाला है इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी फाइव और अंदर में माइनस वन बाई फाइव, यानी पूरा आंसर तो मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएगा, यानी ए वाला चीज भी हमारा माइनस हो रहा है। कैसा हो रहा है? माइनस हो रहा है, यानी एफ डैश एक्स कंप्लीटली यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बात करूं तो यह जीरो से छोटा और बराबर है, ठीक है। अब चलिए चार से आगे हम बात करते हैं, इस वाले से वन से आगे बात करके देख लेते हैं कि क्या होगा। तो वन ओ सॉरी वन बाई फोर से आगे हम लोग बात करते हैं, तो वन बाई फोर से आगे वन नंबर ले लीजिए, है ना, तो वन अगर हम लेते हैं, ठीक है, और वन आप लीजिएगा और वन इसमें आप डालिएगा तो यहां हो जाएगा वन का स्क्वायर और इधर हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई वन माइनस वन, यानी तो वन ही रहेगा और इधर फोर माइनस वन, यानी वन इंटू थ्री, यानी कंप्लीटली क्या आ रहा है, थ्री यानी प्लस आ गया नंबर। यानी अगर राइट में हम बात करते हैं वन से राइट में, तो ये हमारा प्लस दे रहा है, यानी एफ डैश एक्स जो है यहाँ जीरो से बड़ा और बराबर है, क्योंकि वन डालेंगे तो बराबर भी तो हो जाएगा। यानी जहां छोटा है वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और जहां बड़ा है वो सॉरी जहां छोटा है वो सिर्फ इंक्रीजिंग, क्योंकि यहां पर नोड मेरा पूरा कंप्लीटली फिल अप है, और जहां छोटा है वो सॉरी मैं क्या क्या बोल दिया यार, जहां छोटा दिख रहा है एफ डैश एक्स जीरो से छोटा और बराबर वह डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का इंटरवल निकलेगा, और जो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा और बराबर दिख रहा है उस कंडीशन में इंक्रीजिंग का इंटरवल निकलेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि इधर हम इरेज कर देते हैं, है ना, तो देखिए इंटरवल अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इंटरवल पे अब बात कीजिए, तो नंबर वन तो लिखेंगे कि फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इंक्रीजिंग है, एफ इज इंक्रीजिंग इन किसमें, तो एफ हमारा इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग, तो कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, तो यहां आप लेंगे वन बाई फोर से, देखिए यहां से आगे तो वन बाई फोर भी लेंगे और इन्फिनेटिव तक, तो यहाँ इन्फिनेटिव, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यह क्लोज ब्रैकेट है और इन्फिनेटिव पे आप क्लोज ब्रैकेट नहीं लेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे, तो इस इंटरवल में हमारा यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। नंबर दू फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन किसमें, इन द इंटरवल
कौन सा इंटरवल भाई? तो देखिए माइनस इन्फिनिटिव से लेकर 1/4 तक यह डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी हम लिखेंगे ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव टू 1/4 ऐसे, ठीक है, यहां तक ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंटरवल निकल के आ गया, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था A52, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का और पे, ठीक है, और क्या है, पहले जो भी मैं सेट करवाया हूँ कुछ कुछ में मैं और वाला क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे मैं और के साथ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को निकाल के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर यह बात समझे कि इस इंटीग्रेशन को बनाने का, देखिए बहुत सारे तरीके हैं यार, अपने अपने से सोच के भी बना सकते हो, ठीक है, अपना अंडरस्टैंडिंग पावर दिखा सकते हो अगर समझदारी है तो, नहीं तो रूल नियम क्या कहता है कि जब आपके पास ऐसा हो जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इधर डी एक्स, तो मेरे प्यारे बच्चों इस कंडीशन में क्या किया जाता है, देखिए इन दिस कंडीशन ऐसा ही यह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स ए वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस में हम लोग बी कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद इस चीज को डिफ्रेंशिएट करके मेरे प्यारे बच्चों यहां है पी एक्स प्लस क्यू और ए है ए इंटू में ए क्या हो जाएगा टू ए एक्स प्लस में बी है ना और प्लस में इधर से कैपिटल वाला बी, यहाँ इसको हम लोग वन मान लेते हैं और यहाँ से ए और बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पे लाके रख देते हैं ए और बी का वैल्यू, ठीक है, और इसके बाद इस दिस इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पुट आउट कर देते हैं और इंटीग्रेशन मेरा सिंपली बन जाता है। बट अगर इसी को अप्लाई कर दो या तो मैं डायरेक्टली आपको समझाने का कोशिश करूं तो देखिए कैसे करेंगे आप, हटा दें इसको, ठीक है, आप इससे अप्लाई करके बना सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन पे, तो लिखते हैं सॉल्यूशन, तो इससे हम लोग मान लेते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन में टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो यहां आप ध्यान दें अगर मैं इस चीज को डिफ्रेंशिएट करूं, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फोर एक्स प्लस सिक्स, ऐसा ही होगा। तो अगर हम इस चीज को 4x प्लस 6 बना दे तो काम तो मेरा, तो अगर मैं इस चीज को x प्लस 4 बना x प्लस 6 हाँ, तो अगर मैं इस चीज को जो यहां पर x प्लस 2 लिखा गया है इसको मैं 4x प्लस 6 बना दूं तो मेरा तो काम बन जाएगा कि नहीं, तो कैसे बनेगा, कैसे उसको 4x बनाएंगे सर, तो ध्यान दीजिए बहुत ही अपना दिमाग थोड़ा यूज कर लीजिए, है ना, अगर मैं इस पूरे डिटरमिनेंट को पूरे होल डिटरमिनेंट को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं मेरे प्यारे बच्चों तो हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी जब मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4x और 4 टू जाए 8 बन जाएगा, बनेगा, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है तो यह है 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5dx है। तो अब बताइए, अब आप बोले कि सर ये तो आपका आया था 4x प्लस 6 आया था, यहाँ पे 8 हो गया, तो टेंशन नहीं लेना है, क्या अब मैं करने वाला हूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा है 1/4, अगर मैं इसको लिख दूं क्या 4x प्लस 6 और प्लस में 2, मेरे प्यारे बच्चों क्या दिक्कत हो रहा है बताइए, क्या मैंने बड़ा गुनाह कर दिया, कुछ कर दिया क्या, जान मारेंगे क्या सेंटोसर को आप, ठीक है, क्योंकि 6 + 2 तो 8 ही होता है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं यार, इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 यहां प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, ऐसा बात कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है, उधर dx एलिमेंट लगा लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते बढ़ाएंगे, ठीक है, तो चलिए इधर हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, है ना,
देख लीजिए, आराम से आप देख लीजिए। तो आइए, अब मैं क्या करता हूं कि यहां तक मैं इरेज देता हूं, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए कि इंटीग्रेशन साइन को आप एंट्री दे दीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ फोर को भी एंट्री दे दीजिए। तो यहां 1/4 है और इंटीग्रेशन इधर हमारा फर्स्ट पार्ट 4x+6 / 2x² + 6x + 5 dx है ना, प्लस यहां हमारा 1/4 को भी ले आइए और इधर से 2x² + 6x + 5 dx, ठीक है। यानी अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, तो i1 = i1 + i2 कर सकता हूं, इसका नाम मैं 1 दे दिया, ठीक है। अब i1 को आप अलग से सॉल्व कर ले, तो i1 मेरा क्या है, तो यह है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6 / 2x² + 6x + 5 dx, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से अब आप क्या करेंगे सर, तो इसे आप देखिए ना, आप इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी लेट कर दीजिए कि 2x² + 6x + 5 = सर टी मान लिए, आप क्या मान लिए, टी मान लिए। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि मेरा एलिमेंट ही एक्स में लगा हुआ है डीएक्स। तो ये सर आपका हो जाएगा x² का डिफरेंशिएशन 2x, यानी 2 × 2 = 4x हो गया, और 6x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 6, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 0, और इधर dt/dx हो जाएगा। यानी सर ये क्या मिल रहा है आपको, तो यह मिल रहा है 4x + 6 और इधर से dx = dt मिल गया कि नहीं। तो देखिए ऊपर वाला चीज तो हमें मिल गया 4x + 6 और dx, यानी i1 मेरा क्या आ रहा है, तो ये हो गया 1/4 और ऊपर वाला सारा का सारा एलिमेंट मिल गया, तो ऊपर मुझे dt चाहिए, यानी 1/ पूरा एलिमेंट मेरा t है, तो 1/ ओ सॉरी पूरा ये नीचे वाला को मैंने t लिया था, तो 1/ क्या हो गया, t dt हो गया। अब आप बताइए कि यहां पर i1 मेरा क्या होने वाला है, तो इधर तो सर 1/4 है और 1/t का इंटीग्रेशन log mod of t हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी log mod of t हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा करें ना कि c सब में इधर से लेकर ही ना चले, यहां पर कंप्लीटली आप एक बार c ले लें, ठीक है, और सारे वैल्यू को यहां पे लाके पुट कर देंगे हम i1 और i2 वाले वैल्यूज को, तो यहां पे c तो लगा हुआ है ना, तो ये ऐसा हो गया। तो i1 मेरा क्या हो जाएगा, तो यह 1/4 और log इधर t का वैल्यू क्या है मेरे पास, तो यहां है 2x² + 6x + 5 है, तो यह मेरा i1 निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो i1 तो मेरा निकल के आ गया यहां पे, तो यह है i1। अब हम लोग बात करते हैं i2 पे, ठीक है, तो इसे इरेज कर लेते हैं, है ना, दिख रहा है, देख ले आप प्यार प्यार से देख लीजिए, तो हटा लेते हैं। तो अब क्या होगा, हाँ तो यहां पे मैं i1 को लिख लेता हूं, नहीं तो मिट जाएगा, तो पता चलेगा आंसर लिखते समय यार क्या आया था, है ना, आपसे तो पूछ नहीं सकता हूं, आप तो इतना दूर हैं कि मैं अगर यहां से प्लेन भी अगर मैं बुक करूं तो आपके साथ आपके पास इस वीडियो के द्वारा नहीं पहुंच सकता हूं, है ना। तो चलिए, तो ये मेरा i1 का है वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए अब i2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो i2 क्या है, तो i2 है 1/4 और यहां है 2 / 2x² + 6x + 5 dx है। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, इस वाले 2 को यहां से 2 को कॉमन कर लेते हैं ना, थोड़ा अगर इसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं विदाउट कॉमन 2, ठीक है, अगर 2 को मैं कॉमन ना करूं तब पर भी ये डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा इजी लगना चाहिए चीज। तो यहां 1/4 ऊपर में 2 और यहां से मैं जब 2 कॉमन करूंगा तो यह हो जाएगा x² + 3x + 5/2 हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा, तो यार 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा i2 हो गया 1/4 और यहां से ऊपर में 1 हो गया और ये हो गया x² इधर 3x प्लस में इधर 5/2 dx। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो यह मेरा i2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/4
और इधर वन बाई, तो यहां देखिए आप इसे हम क्या करने वाले हैं, आप भी करेंगे कैसे, तो इसको हम यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म यानी यहाँ जो थ्री एक्स है ना, जब इसको कंप्लीट स्क्वायर आप बनाते हैं तो इस वाले टर्म को ना देखें, इस वाले टर्म को देखें कि यहाँ जो एक्स के साथ तो टर्म है, एक्स वाला जो टर्म है वह प्लस में है कि माइनस में है। अगर ये प्लस में है तो हम एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसे अरेंज करेंगे। अगर यह थ्री एक्स अगर यहाँ माइनस में होता तो इसे हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर में अरेंज कर लेते, ठीक है। तो यहाँ आप कीजिए तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में टू ए ए टू ए बी, तो बी हम क्या ले जिससे मेरा थ्री बाय थ्री एक्स रहे यहाँ पे, तो उसके लिए हम बी को थ्री बाय टू ले लेते हैं, तो टू टू कट जाएगा तो थ्री एक्स ही रहेगा, है ना। अब प्लस में बी का स्क्वायर मतलब थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, जो बी स्क्वायर आप यहाँ पर लगाएंगे उसी को यहाँ पर घटाएंगे भी, ठीक है। और इधर क्या है सर, तो इधर है फाइव बाई टू, यहाँ डी एक्स है, तो चलिए इधर आ जाते हैं। हाँ तो अब क्या हो जाएगा, तो मेरा I2 क्या बन जाएगा, तो I2 हो जाएगा 1 बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दें यहां से यहां तक, तो ये हमारा क्या मिल रहा है, तो x प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर मिलेगा, यानी यह बन जाएगा x प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दें जरा आप यहाँ पे, तो यहाँ थ्री बाई टू का होल स्क्वायर है माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन बाई टू, और प्लस में इधर है फाइव बाई टू है ना, तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, तो आई टू इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये मेरा क्या नंबर देगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए आप इधर यहाँ पे, तो क्या है वह, तो फाइव बाई टू प्लस में है और माइनस में नाइन बाई टू है ना, यानी ए आपको मिलने वाला है, एलसीएम तो सेम है, यानी फाइव में से नाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा माइनस फोर बाई टू, है ना, ये कट जाएगा पूरा टू बार में, यानी ये माइनस टू मिल जाएगा, ठीक है। तो यह आपको माइनस टू मिलने वाला है, ओ सॉरी मैं क्या गलती कर रहा हूँ यार, यहाँ पे तो हमारा थ्री बाई टू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो फोर होना चाहिए ना, ये वाला फोर हो जाएगा, अभी तो गलती ही हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा फाइव बाई टू माइनस में नाइन बाई फोर, कैल्सियम आपका फोर हो जाएगा, ठीक है, और टू टू जाए यानी ये टेन हो जाएगा, माइनस में नाइन यानी वन बाई फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन बाई फोर हो जाएगा। तो चलिए तो ये मेरा क्या मिल रहा है, वन बाई फोर के इक्वल है, प्लस में आ रहा है ना आंसर, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर डीएक्स, ठीक है। चलिए तो इसे अब हम हटाते हैं, अब ध्यान दीजिए अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, तो इसे लिख सकता हूं आई टू इज इक्वल टू वन बाई फोर और यहाँ वन बाई इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, और इस वन बाई फोर को सर मैं वन बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ डी एक्स हो गया। तो जरा अब आप ध्यान देंगे कि हम अब यहाँ क्या लिखने वाले हैं, तो चलिए इसको इरेज कर दें, इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, तो ये फार्मूला आप जानते हैं कि वन बाई अगर ऐसा हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो यह हो जाता है वन बाई ए और टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है, हो जाता है, यानी ए चीज हमारा आई टू क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आई टू इज इक्वल टू वन बाई फोर है और वन बाई ए आएगा, तो एक जगह पर कितना है वन बाई ए, तो एक जगह पर वन बाई टू है और इधर tan इनवर्स x बाई ए, तो x हमारा क्या है थ्री बाई टू है और बाई में a वन बाई टू, तो यहां से टू टू जा फोर तो ये कट जाएगा, है ना। तो ये मेरा i2 क्या हो जाएगा, तो i2 हो जाएगा वन बाई टू यहाँ रहा और इधर आ गया tan इनवर्स, इसको आप ऊपर लेकर चलें एलसीएम के साथ, तो ये ऊपर हो जाएगा टू एक्स और इसमें जाएगा टू तो कट जाएगा, यानी कंप्लीटली ये थ्री रहा, क्या रहा थ्री, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा आया, यानी ये मेरा I2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ आप वन में ले जाकर रख दे सब वैल्यू को, तो फ्रॉम वन कर लेंगे, तो I1 मुझे क्या मिलने वाला है, वो सॉरी I, तो I में I1 मेरा क्या है, वहां निकाल कर मैं रखा हूं वन बाई फोर और इधर है log mod of x टू एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स एक्स प्लस में फाइव, ठीक है, और प्लस में I2, तो I2 क्या मिला, तो I2 मिल गया वन बाई टू और यहाँ टेन इनवर्स टेन इनवर्स
2x प्लस 3 और प्लस में c है। यह आपका कंप्लीट आंसर निकल के आया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 पे। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल के दिखाइए क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आइए, बोल रहा है कि इंटीग्रेशन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं और इसे लेट कर ले रहा हूं कि i बराबर यह इंटीग्रेशन है। अगर आगे जाके जरूरत पड़ गए तो कोई दिक्कत ना, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को t नाम दे दू, ठीक है, तो यहां पे इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यह हो जाएगा 2x बराबर dt बाई dx हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी यह हो जाएगा 2x dx बराबर dt, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी आई मुझे क्या मिल रहा है, तो आई मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर देखिए 2x dx, 2x dx इज इक्वल टू dt, मींस यहां तो 1 आ गया और x स्क्वायर को मैंने नाम t दिया है, तो t प्लस 1 और यहां से t प्लस 3, ठीक है, और यहां dt हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां से आप क्या करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे तो आपके नजर में होंगे, वो नहीं पढ़े होंगे तो देखिए कैसे हम काम करेंगे इसका। तो यहां पे फिर हम क्या करने वाले हैं कि इस चीज को, ठीक है, ये यहां पे लेट कर लेते हैं, इसका नाम क्या दे दे यार, चलिए आ गया ना ये, कोई बात नहीं, ठीक है, या तो इसका नाम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं कि लेट 1 बाय टी प्लस 1, ठीक है, और इधर से टी प्लस 3, टी प्लस 3 इज इक्वल टू है a अपॉन टी प्लस 1, यहां पर प्लस b अपॉन टी प्लस 3। ठीक है, अब जब यह ऐसा हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, ध्यान दीजिए, यहां 1 बाय टी प्लस 1, ठीक है, और इधर है टी प्लस 3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो इधर हो जाएगा a इंटू टी प्लस 3 और यहां पर प्लस b टी प्लस 1 इंटू में अपॉन क्या है, तो यहां है टी प्लस 1 और इधर टी प्लस 3 हो जाएगा। जब आप एलसीएम करेंगे तो ऐसा ही काम बनेगा, यानी a वाला चीज कैंसिल आउट हो गया। हो गया, यहां से 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यह हो गया t 1 इज इक्वल टू 1 इंटू टी प्लस 3 और इधर प्लस में b इंटू में t प्लस 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं बारी बारी से यहां पर वैल्यू निकालू किसका, a और b का, तो देखिए यहां पे कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इक्वेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड लाइक पावर ऑफ टी, बट डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे कैसे। तो यहां से आप क्या करेंगे कि टी का वैल्यू, अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना है, तो अगर टी का वैल्यू मैं यहां पर इसका नाम चलिए हम 2 मान लेते हैं, अगर मैं पुट कर दूं कि पुटिंग टी इज इक्वल टू माइनस 1 इन 2, ठीक है, अगर t का वैल्यू माइनस 1 अगर आप 2 में पुट आउट कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, a इंटू में माइनस 1 प्लस 3 और यहां पर b इंटू में माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो इधर 1 इज इक्वल टू a और यहां हो गया 2, और साहब अगर a आप नजर दौड़ा रहे हैं इधर, तो ये तो पूरा कंप्लीटली जीरो हो रहा है ना b के अंदर, तो यहां पर a हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a, और ये तो पूरा जीरो हो गया, गया खत्म। यानी a का वैल्यू साहब आपको यहां से क्या मिलेगा, तो 1 बाई 2 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, तो a का वैल्यू आपको इस तरीके से 1 बाई 2 मिल गए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं ना, तो इरेज कर देते हैं यहां पे। तो आइए अब हमें निकालना है b का वैल्यू, तो अगेन पुटिंग क्या, तो t इज इक्वल टू,
अब मुझे b का वैल्यू निकालना है, तो अगर t का वैल्यू मैं -3 कर दूंगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू अगर मैं -3 पुट कर दूं इक्वेशन 2 में तो यह हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इनटू में -3 + 3 और यहां प्लस b और यहां -3 + 1, ठीक है। तो इधर हो गया 1 इज इक्वल टू a तो पूरा जीरो हो गया ना, और यहां से b और अंदर में -2, यानी 1 इज इक्वल टू -2 भी हो जाएगा, यानी b का वैल्यू सर मिल गया आपको -1/2 मिल गया, मिला कि नहीं मिल गया। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम यहां से ये वाला में, अगर इसका वैल्यू मैं देखूं तो क्या मिल जाएगा, ये पूरा कंप्लीट इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे आप लाके रखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग को दिख रहा है ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए हटाते हैं अभी इस चीज को, तो यहां से देखिए कि 1/1 t + 1 और t + 3 का वैल्यू क्या मुझे मिल रहा है, तो ए का वैल्यू 1/2 मिला है, तो ए के पास यहाँ 1/2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और इधर है हमारा t + 1 है, और यहाँ बी का वैल्यू क्या मिला है -1/2, तो ये वाला साइन माइनस में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा t + 3, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/t + 1 और इधर t + 3 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और इधर से t + 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और इधर t + 3 dt, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यह 1/2 हमारा बनेगा बाहर और 1/t + 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा log mod of t + 1, ठीक है। और यहां से 1/2 ये भी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log mod of t + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यह 1/2 आप बाहर कॉमन कर लेंगे, ठीक है, और 1/t जब बाहर कॉमन करेंगे, सॉरी 1/2, तो ये हो जाएगा log t + 1, ठीक है, और माइनस में log t + 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इधर इरेज करना पड़ेगा, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है यार इंटीग्रेशन का, क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज कर लिया, अब यहां से आइए तो इज इक्वल टू लेकर चलते हैं, ये हमारा है इधर लेफ्ट में, तो 1/2, अब यहां पर log m माइनस log n वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, तो log m माइनस log n बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों log m by n हो जाता है, यानी ये हो जाएगा log t + 1 अपॉन में t + 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बन गया। अच्छा ये तो आंसर मेरा निकल गया था ना, यहाँ पे प्लस आप c ले लीजिए, ठीक है, और प्लस में c ले लिए, तो यहाँ पे आप t का वैल्यू लाकर दे दे इसको, तो t आप लिए हुए थे x स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा x² + 1 और इधर ये भी हो गया x² + 3 हो गया, तो प्लस में सी, इस तरह से आपका यह आंसर निकल के आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 का और पे, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट इसका 0 से π/2 है, sin(10x)/cos(10x)dx = π/2 होता है, ठीक है, π/4 प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है, तो ऐसा प्रूव करना है। तो ध्यान देंगे, एक प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर a से b हमारा एक इंटीग्रेशन है और यह f(x) dx है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, तो a से b, ठीक है, f(a + b - x dx, ठीक है, जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होता है, ठीक है, यह एक प्रॉपर्टी है और इसी का एक स्पेशल केस है। कैसा केस है, स्पेशल केस है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है स्पेशल केस, तो वह स्पेशल केस है कि अगर 0 से a हो, 0 से a f(x) dx, ठीक है ना, लोअर लिमिट को अगर 0 बना दो तो यह हो जाता है हमारा 0 से a f(a - x dx, ठीक है, ये एक स्पेशल है हमारा केस, क्योंकि ऐसा इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, एस वाले पे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है,
इसलिए इस वाले प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर यूज करेंगे कि जीरो से a हो f ऑफ x dx तो ये हो जाता है जीरो से a f ऑफ a माइनस x dx हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, चलिए इस चीज को आप समझ गए होंगे कि हाँ ऐसा दो प्रॉपर्टी हमारे पास है। ठीक है, तो हटाते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को बहुत ही इजी है, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाएगा, मुझे विश्वास है और मैं बता रहा हूं कैसे आप करेंगे। तो सोल्यूशन मैं पहले इसे लेट कर लेता हूं कि आई इज इक्वल टू है 0 to π/2 साइन का पावर 10x अपॉन साइन पावर 10x प्लस कॉस पावर 10x डीएक्स। ठीक है, इसको नाम आप 1 दे दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं प्रॉपर्टी का यूज कर देता हूं 0 से π/2। ठीक है ना, और यहां साइन का पावर 10 और एक्स के पास सर हम लिखेंगे π/2 - x। कैसे? क्योंकि अभी मैंने जस्ट प्रॉपर्टी आपको दिखाया था कि अगर ऐसा हो लिमिट, ठीक है, 0 से a f(x) dx, तो इसे मैं लिखता हूं 0 से a f(a - x) dx, है ना। तो ये वाला π/2 चला गया यहाँ और माइनस में x हो गया। ठीक है, आप जहां जहां x है सबके पास ऐसा होगा यहाँ पे। तो साइन के पावर 10 यहाँ π/2 - x प्लस में कॉस के पावर 10 और यहाँ π/2 - x, है ना, तो यह dx। अब मेरे प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि साइन 90 - θ क्या होता है और कॉस 90 - θ क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री या 90 - θ कॉस थीटा मीन्स ये हो जाएगा कॉस के पावर 10 और इंटू में एक्स, ये भी हमारा हो जाएगा कॉस के पावर 10x प्लस में यह बन जाएगा साइन के पावर 10x dx। अगर मैं इसे नाम दे देता हूं 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ऐड कर देता हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो जब फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड करेंगे तो वी गेट हमें मिलता है, क्या मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से, मैं इरेज करने वाला हूं इसे, तो यहां से अब इरेज कर लेते हैं। अब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यही मेरा फर्स्ट है तो इधर आई प्लस आई बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। और यहां से फर्स्ट है हमारा 0 से π/2, 0 से π/2 है और इधर है साइन के पावर 10x। क्या है, साइन के पावर 10x और यहां डिनोमिनेटर में है साइन पावर 10x प्लस में कॉस पावर 10x। ठीक है, dx प्लस में यहां 2 क्या है, तो ये भी हमारा है 0 से π/2 और ऊपर में है कॉस के पावर 10x और यहां है नीचे डिनोमिनेटर में कॉस के पावर 10x प्लस में साइन के पावर 10x है ना dx। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगा आप लोग को। चलिए इसे अब हटा लेता हूं मैं, तो आ जाइए अब यहां पे आई और आई मेरे प्यारे बच्चों 2i हो गए और हमारा इंटीग्रेशन देखिए ना, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन यहां जो लिमिट लगा हुआ है दोनों सेम है, यानी यह हमारा आ जाएगा बाहर, कहां आ जाएगा, कॉमन आउट होकर बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन के पावर 10 और यहाँ एक्स और नीचे भी साइन पावर 10x प्लस कॉस पावर 10x, है ना, प्लस में यह है कॉस पावर 10x अपॉन में कॉस पावर 10x प्लस में साइन पावर 10x है और इधर dx। ठीक है, चलिए तो यहाँ इधर क्या है कि 2i है और यहाँ 0 से π/2। अब यहाँ देखिए आप ऐड कीजिए तो एलसीएम हमारा क्या दिख रहा है, दोनों नंबर ये वाला और ये वाला सेम है फंक्शन यहाँ पे, तो जब सेम है तो ऊपर एज इट इज ऐड हो जाएगा सिंपली, तो यह हो जाएगा साइन के पावर 10x प्लस में कॉस के पावर 10x हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ क्या कि साइन के पावर 10x प्लस में कॉस के पावर 10x। ठीक है, और इधर dx हो जाएगा, तो ये वाला कट गया सर कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ 2i इज इक्वल टू हो गया 0 से π/2 और सिंपल यहाँ dx बचा और dx
का इंटीग्रेशन चला एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यह एक्स हो गया और जीरो से पाई बाई टू बन गया, है ना। तो अब क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, ये चीज आ गया मेरा, तो यहाँ आ गया टू आई इज इक्वल टू, अब आप लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो यह हो जाएगा पाई बाई टू माइनस में जीरो, है ना। तो टू आई इज इक्वल टू हो गया पाई बाई टू, तो i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टू इधर आप लाइए तो इधर बटा में आ जाएगा, तो ये पाई बाई फोर हो गया। तो यही मुझे प्रूव्ड करना था, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इन दो लाइन के बीच में, ठीक है, इस टू लाइंस के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि यह इक्वेशन कैसा है। तो यह एक वेक्टर इक्वेशन लाइन का, यहाँ पर जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं यह वेक्टर इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो लाइन का वेक्टर इक्वेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, तो होता है आर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस में लेमडा बी, ठीक है, इस कंडीशन में। तो यहाँ वाला जो वेक्टर होता है ना, यह हमारा क्या होता है, वेक्टर बी हो जाता है, और इसी से हमारा डायरेक्शन रेशियो निकलता है, क्योंकि बी इज इक्वल टू हमारा जो वेक्टर आता है, इस बी जो है इस लाइन के पैरेलल में एक हमारा वेक्टर रहता है, ठीक है, जो कि होता है ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हमारा यह जो नंबर है ना ए बी सी, ये सब डायरेक्शन नंबर्स होते हैं। क्या नंबर होते हैं, डायरेक्शन नंबर्स होते हैं। तो यहां से हमारा डायरेक्शन नंबर क्या मिलेगा, तो यहां से और यहां से डायरेक्शन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें इस लाइन से, इसको सॉल्यूशन करें, तो यहां से हमें मिलेगा, इस वाले को आप उठाएंगे, ठीक है ना। तो अगर यह मेरा सपोज कीजिए वेक्टर बी वन है, क्या है, बी वन है, तो यह है थ्री आई, ठीक है, प्लस में 5j प्लस में 4k, ठीक है। और यह इसको हम b2 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, b2। तो यह वेक्टर b2 हमारा क्या मिल रहा है, तो यह है i प्लस में j और प्लस में 2k है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम डायरेक्शन नंबर्स की बात करें, डायरेक्शन रेशियो जिसको बोलते हैं, तो यहां से हमारा जो b1 का डायरेक्शन रेशियो होगा ना इस वाले का, तो यहां से अगर आप इसका डायरेक्शन रेशियो देखेंगे तो ए वन आपको थ्री मिल जाएगा, ए वन क्या है, थ्री है, और यहां से बी वन आपका क्या है, तो बी वन जो है ना आपका, वह बी वन फाइव होगा, ठीक है, और सी वन मेरा क्या होगा, तो सी वन जो मेरा होगा वह फोर हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन रेशियो से आप देखेंगे तो यहाँ वन है, यहाँ पे भी वन है, तो यहां पर हमारा जो ए टू हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जो B2 होगा वो क्या होगा, वो भी 1 है, और जो C2 है वो क्या है, तो यह 2 है। और एंगल जो हमारा होता है वह होता है cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 अपॉन में स्क्वायर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस में बी वन का स्क्वायर प्लस में सी वन का स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ए टू का स्क्वायर प्लस में बी टू का स्क्वायर प्लस में सी टू का स्क्वायर, ठीक है। यह मेरा एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन हमारा क्या है, थ्री है, इंटू में ए टू हमारा क्या है, वन है, प्लस बी वन हमारा क्या है, फाइव है, B2 हमारा क्या है, 1 है, प्लस C1 हमारा क्या है, 4 है, C2 हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। बटा यहां पर आइए A1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यहां आप करेंगे प्लस में B1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर तो B1 हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर यहां अंडर रूट लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर a2 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस में b2 1 है 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब आगे इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आइए, अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर में 3 रहेगा प्लस में 5 रहेगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा अपॉन में स्क्वायर रूट,
यहाँ पे 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा और प्लस में यहाँ 25 रहेगा और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होगा, है ना। और यहां से इधर वाला स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ 8 5 13 और 3 16, ठीक है, ये 16 हो गया और बटा में यहाँ ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25 और 25 यानी ये 50 हो गया और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। चलो इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यह मेरा क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 16 और इस 50 को मैं लिख सकता हूँ 50 और 25 दूना 50 और यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 है, ठीक है। तो ये तो कटने वाला दिख ही नहीं रहा है कि कट जाए। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू मेरा आ गया 16 और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 और 6 दूना 12 यानी ये आ गया मेरा cos थीटा इज इक्वल टू 16 और इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 और 4 3 12 ऐसा लिख सकता हूँ और ये कट जाएगा हमारा 8 बार में कट जाएगा। तो 8 बार में जब ये कटा तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर में 8 हो गया और नीचे मेरा रहा 5/√3, है ना, यही रहा। तो इधर से cos को उधर भेज दीजिए तो थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 8/5√3। तो ये आपका रिक्वायर्ड एंगल हो गया, ठीक है, प्राप्त कोण आपका यही है, यही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे, ठीक है। यह है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है जिससे कि तुम लोग को बहुत डर लगता है कि सर प्रोबेबिलिटी हम कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ही अल्टर प्रोबेबिलिटी है क्लास 12th में, ठीक है। बट अगर मेरे साथ अगर तुम समय गुजार रहे हो तो तुम्हें कोई भी चीज हार्ड नहीं लगेगा इस दुनिया का, सब चीज आसान लगेगा, सब चीज, ठीक है, जो भी चीज है वो तुम्हें इजी नजर आएगा अगर मेरे साथ चल रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है कि 5% मेन एंड 0.25% वोमेन हैव ब्राउन हेयर्स। बोल रहा है कि 5% आदमी और 0.25% औरत के पास जो है ब्राउन हेयर है, मतलब भूरा बाल है, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहां कि अ पर्सन विथ ब्राउन हेयर्स इज रेंडमली सिलेक्टेड। अब यहां पर एक व्यक्ति को जिसका हेयर ब्राउन है भूरा है उसको यदरचा रेंडमली मीन्स रेंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है, चुना जा रहा है, ठीक है। तो आगे बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज अ मैन। तो बोल रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता बताइए कि जो चुना गया आदमी है, चुना गया जो व्यक्ति है वह एक आदमी है, ठीक है। क्या प्रायिकता बताना है कि जो चुना गया व्यक्ति है वह एक आदमी है। अब यहां मान लिया है कि सपोज नंबर ऑफ मेन एंड वोमेन आर इक्वल। माना गया है यहाँ पर, माना गया है कि यहाँ पर जो नंबर है, संख्या है आदमी और औरत का, वह बराबर है। कैसा है? बराबर है। तो ध्यान देंगे आप, आराम आराम से इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि M for man और W for woman, ठीक है, woman, और B for क्या ब्राउन। मान लिए कि बी फोर क्या हम ले रहे हैं, ब्राउन, ठीक है। तो यहां पर दो ही कैटेगरी, यहां पर क्या बोल रहे हैं, दो ही लोग हैं, मेन है और वोमेन है, ठीक है। तो एक मेन सेलेक्ट करने का, ठीक है, एक आदमी को सेलेक्ट करने का जो प्रायिकता होगा वह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 होगा, क्योंकि दो ही कैटेगरी के यहां पर इंसान है, एक कैसे है तो आदमी है और औरत है, ठीक है। और एक औरत को सेलेक्ट करने का जो प्रायिकता होगा मेरे प्यारे बच्चों वह भी क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, बोल रहा है कि 5% मेन ऐसे हैं, 5% आदमी ऐसे हैं जिनका बाल ब्राउन है। कैसा है? बाल ब्राउन है, ठीक है। 5% ऐसे आदमी हैं जिसका बाल ब्राउन है, यानी B/M जो है हमारा वह 5% है। और 5% कहने का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों
कि 5/100 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 0.25% ऐसे वोमेन है जिनका भी बाल क्या है, ब्राउन ही है, भूरा ही है, यानी PW/M इज इक्वल टू क्या है, तो यह है मेरा कितना है, तो 0.25%, यानी इसे हम बोल सकते हैं 0.25/100, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जो अपराइटा बताइए कि जो सिलेक्टेड चुना गया आदमी है, व्यक्ति है, वह एक आदमी है, ठीक है, क्या है, वह एक आदमी है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले में थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो रहा है, यहाँ वुमेन की बात हो रही है ना, तो जो चुना गया यहाँ पर है वो 0.25% जो बाल ब्राउन भूरा है वो भी वुमेन का भी है, यानी यहाँ हम क्या लगाएंगे कि ब्राउन हेयर किसका, वुमेन का, ये चीज ऐसा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि आप प्रायिकता बताइए कि जो व्यक्ति चुना गया, ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज मैन, ठीक है, वह एक आदमी है, यानी हमें प्रोबेबिलिटी बताना है m/p, m/b बताना है, क्या बताना है, b बताना है, ठीक है, कि जो आदमी सेलेक्ट किया गया भूरा बाल वाला वह, जो व्यक्ति सेलेक्ट किया गया भूरे बाल वाला वह एक आदमी है। तो दिस इज इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, तो लगा इतना इज इक्वल टू होता है, या वेज थ्योरम से क्वेश्चन है ना, तो यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b/m इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ m, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b/m इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस मींस टोटल हो जाता है नीचे, क्या होता है, दिस इज इक्वल टू टोटल, तो टोटल में हमारा कौन, ये पूरा चीज आदमी वाला और औरत वाला, तो औरत वाला क्या है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ b/w इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ w, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए हम लोग ऊपर इरेज कर लेते हैं इस बातों को, ठीक है, इधर से तो क्या हो जाएगा, अब यहां से आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m/b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b/m क्या है, तो 5/100, यह है 5/100 प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं यार, यहाँ पर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ m क्या है, तो 1/2 है, क्या है, 1/2 है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b/m, तो यही तो b/m है, 5/100 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ m 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ b/w किधर है, b/w वहां देखिए 0.25/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ w किधर है, 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m/b इज इक्वल टू, ऊपर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5/200 अपॉन में, यहां भी 5/200 प्लस में, यहां आप देखिए तो 0.25/200 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m/b इज इक्वल टू यहां से 5/200 अपॉन में, यहां आप देखिएगा तो 5 + 0.25/200 हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये वाला 200 और 200 मेरे प्यारे बच्चों यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ m/b इज इक्वल टू, ऊपर में हमें क्या मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है, ठीक है, और यहां हमें क्या मिल रहा है, तो 5 + 0.25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m/b इज इक्वल टू 5/, इसको ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.25 हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ m/b, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/5/25, और यहां से पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ 100 नीचे आ जाएगा ना, अब ये वाला पूरा 100 ऊपर चला जाएगा जंप करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m/b हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 × 100 और यहाँ 5/25, और यहाँ पे हमारा है 5/25, ठीक है, यह चीज है। तो थोड़ा सा इसे ही रेज कर लेते हैं, है ना,
तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बाई बी इज इक्वल टू, अब आप यहाँ 25 से इसको क्या कर दीजिए, कटआउट कीजिए, तो ये कट जाएगा 25 चौके 100 और 25 दूना 50 और 25 एकम 25 कट जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या मिल रहा है, तो ऊपर हमें मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बाई बी इज इक्वल टू 5 चौके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा, यानी यह मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया 20/21। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन था आपका 4 नंबर का प्रोबेबिलिटी का। तो अब हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं बात को, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।